नमस्कार पलपल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सिरसा में कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव का शिवनगर के अंदर मामला सामने आया था, वहीं कॉलोनी को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। लेकिन कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद प्रशासन की ओर से जो सिरसा का नाम चौक पर लड़कियों का स्कूल है उसे कंट्रोल रूम बनाया गया था और कॉलोनी वासियों को एक कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया था कि इस नंबर पर संपर्क करके लोग यहाँ के लोग कुछ भी इनको सामान की ज़रूरत है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो वहीं आज जो नाकाबंदी की हुई थी शिवनगर के अंदर वो पूरी तरह से खोल दी गई है, लोगों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं कंटेनमेंट जोन खुलने के बाद किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, और वहीं कंटेनमेंट जोन खुलते ही सैनिटाइजर की गाड़ी आ चुकी है और कॉलोनी को दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं कॉलोनी के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि 18 से 20 दिन के बाद जो कॉलोनी खुली है लोगों के अंदर कितना उत्साह किस तरह का भी महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ जान लेते हैं। प्रशासन ने हमारे को बहुत सहायता करी, प्रशासन की ओर से हर एक को हर घर के अंदर दूध दही सब सारी व्यवस्था, सब्जी वगैरह फ्रूट सब चीज़ें आती रही है। दूध के हमारे से पैसे लिए गए, सब्जी के पैसे लिए गए, फ्रूट के पैसे लिए गए। कुछ घरों के अंदर जैसे किसी के कोई रेंट पे रह रहे हैं उन लोगों को राशन फ्री दिया गया।